सूद की रकम जो है किसी गरीब को दे सकते हैं, लेकिन सवाब की नीयत ना करें। अगर किसी मस्जिद में हमाम या बैतुल खला बने हुए नहीं है तो वो भी बना सकते हैं। हमने उम्रा कर लिया है लेकिन मस्जिद आयशा से अगर करें तो वो भी जायज़ है, करें न करें तुम्हारी मर्जी है। मस्जिद में बैठे हुए अगर टेक लगा के बैठा हो और नींद आ जाए तो फिर वजू ज़रूरी है। ऐसे बैठे बैठे नींद आ जाए तो फिर वजू की ज़रूरत नहीं होती। इस्तग़फ़ार का जो मैंने वजीफा बताया, सारी ज़िंदगी करते रहो। अल्लाह के कुरान का हुक्म है, फ़कुल तस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहू काना गफ़्फ़ारा। वालदा बीमार है, अल्लाह शिफाता फरमाए। बहरहाल सूदी रकम किसी के लिए भी जायज़ नहीं होती, वो लेके गरीबों को दे दिया करें। नवीना औलाद के लिए अल्लाह पाक से वही दुआ मांगा करें, लब्बिला तदरनी फर्दन वंत खैरुल वारिसीन। हमारे घर में बीमारियां हैं तो उनके लिए सारे घर वाले रब्बे अन्नी मस्सनी अज़ुर्र वंत अरहमुर राहिमीन ये दुआ पढ़ा करें। मेरे दोस्त की वालदा का इंतकाल हो गया, अल्लाह मग़फ़रत फरमाए। बारह एक उम्रा कर लिया है, दूसरे का भी इरादा है, सदका का अपना सवाब है, उम्रे का अपना सवाब है, और अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा है तो आप आएंगे। बच्चे को उम्रा कराना जो है उसकी नीयत तो आप खुद करेंगे, बच्चा नहीं करेगा। अगर एहराम की हालत में शैम्पू से हाथ धोए हैं तो 5-10 रियाल खैरात कर दें। मेरे वालिद पे फालिज का अटैक हुआ है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। तवाफ़ के बाद हल करवाना भूल गया, सिरे कपड़े पहन लिए, बाद में याद आने के बाद हल। तवाफ़ के बाद तो हल नहीं कराया जाता, वो तो सफ़ा मरवा के बाद हल कराया जाता है। अगर सफ़ा मरवा ही नहीं दौड़ा तो दम पड़ गए।